मंडल में संचालित विभिन्न योजनाओं परियोजनाओं के निर्माण एजेंसियों की बैठक मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देते हुए जो परियोजनाएं संचालित हैं उसे प्रत्येक दशा में समयबद्ध ढंग से पूरा करें और यदि किसी नई परियोजना की आवश्यकता है तो उसका प्रस्ताव अतिशीघ्र प्रस्तुत करें ताकि शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा सके। इस अवसर पर संचालित परियोजनाओं का स्क्रीन पर प्रस्तुतिकरण किया गया तथा जिसकी एक एक कर प्रगति की समीक्षा मंडलायुक्त ने करते हुए संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिए कि शासन से अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र समय से प्रस्तुत करें तथा जिस मद में धन की आवश्यकता हो उस हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करें ताकि शासन को प्रेषित किया जा सके। मंडलायुक्त ने निर्देश दिया कि जिन प्राथमिक विद्यालयों के अपनी छत नहीं है उनके प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएं। इसके साथ ही देवरिया एवं कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज के प्रस्ताव भी नई परियोजनाओं में जोड़े जाएं। उन्होंने पार्कों के सुंदरीकरण तथा पर्यटन सड़क आदि कार्यों की प्रमुखता के आधार पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। मंडलायुक्त ने संचालित परियोजनाओं को पूर्ण करने के साथ ही आवश्यकता अनुसार नई परियोजनाओं के प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश देते हुए कार्यदायी संस्थाओं को यह भी निर्देश दिए कि जो कार्य पूरा हो जाए उसे संबंधित विभाग को हैंडओवर कर दिया जाए। बैठक का संचालन संयुक्त विकास आयुक्त ने किया। इस मौके पर नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह सहित कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारी मौजूद रहे। मंडलाने का भी किया था। दो पार्ट में मुझे आपसे जानना है, जिनको बुलाया गया कि आप लोग प्रमुख लोग हैं जिनकी स्कीम ज्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ चल रही है, आपकी वित्तीय आवश्यकता क्या है वो। दूसरा ये है कि क्या कोई नया प्रकल्प है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में या माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यालय के निर्देश के क्रम में या यहाँ पर मीटिंग हुई हो उसके निर्देश के क्रम में जो उन्होंने निर्देशित किया हो लास्ट 6 महीने में 1 साल में उसका आपने प्रोजेक्ट दिया हो लेकिन वो स्वीकृत ना हुआ और उसको किया जाना आपको आवश्यक प्रतीत होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं उदाहरण दे रहा हूँ, नगर आयुक्त साहब बैठे हैं, इनका एक चार्जिंग स्टेशन बनना है वो शायद स्मार्ट सिटी में चला गया या स्मार्ट सिटी के पूरे प्रोजेक्ट चले गए लेकिन प्रोजेक्ट भी सबमिट होने के बाद भी आपकी अभी तक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं है, इतनी स्वीकृति तो रहा है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। इस पर हम जो है इसको हम लिस्ट आउट करके फिर उनको जब हमारा प्रेजेंटेशन होगा उसमें हम एम्फेसाइज भी करेंगे और उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि ये चीज़ हमारे लिए बहुत सो दो भागों में चीज़ें चाहिए। एक तो वो चाहिए जिसका आपने यूसी सबमिट कर दिया, यूसी सबमिट मतलब कार्यदायी संस्था ने विभाग को दिया, विभाग ने अपने जैसे आरटीओ पर्यटन साहब हैं तो ये अपने डीजी टूरिज्म को देते हैं और कुछ चीज़ों में मैंने देखा है कि डायरेक्टेड यदि वहाँ नहीं है तो आप सीधे शासन को प्रेसर करते हैं यहाँ पर डब्ल्यू एच ओ में। सो एक तो आपने जो यूसी ऑनगोइंग करके सबमिट किए थे और दूसरा जो नए आपको लगता है कि होने चाहिए उसमें एक चीज़ मैं जरूर कहूँगा, इसमें वित्त विभाग के भी निर्देश प्राप्त हुए हैं आप लोगों को भी होंगे, वही प्रोजेक्ट नए आपको इस समय सजेस्ट करने चाहिए जो आपको लगता है कि इस वित्तीय वर्ष के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है या माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में हम पूरी कर लें वो ज़्यादा जरूरी है rather than दो चीज़ें अधूरी रह जाएँ और हमें एक नया प्रोजेक्ट शुरू करें, वो फोकस होना चाहिए। और इस बैकग्राउंड में मैं आपसे समझना चाहता हूँ बट बिफोर हम समझे JDC साहब ने आप लोगों से ही वार्ता करके कुछ विभागों के इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट को लिस्ट आउट किया है जिनके पैसे आने जिनके उपयोगिता प्रमाण पत्र यूसी आप सबमिट हो गए हैं लेकिन जिनका पैसा नहीं आया है, आप इस लिस्ट को देख लें, इस लिस्ट में कोई संशोधन यदि आप प्रस्तावित करना चाहते हैं आज शाम 5 बजे तक दे इस कौन चला रहा है इसको आप। हाँ पर्यटन विभाग का जैसे है आप देखिए पर्यटन विभाग में कई कार्यदायी संस्था कार्यदायी संस्था आपने नहीं बुला लीजिए। देखिए सिस्टम क्या है, हमने विभाग पर क्यों लिखा है, विभाग पर इसलिए लिखा मुझे उनका नाम नहीं है लेकिन कार्यदायी संस्था ही मूल इसका है, आप ही नींव है, आप ही काम करके यूसी तो देंगे आरटीओ पर्यटन को तो ये भेजेंगे। सो जब पर्यटन विभाग की स्कीम हम 9 दिखा रहे हैं तो कृपया करके देख लें कि उन 9 स्कीम में आप जो कार्यदायी संस्था हैं आपका कोई यूसी के लिए पेंडिंग थी और ऐसा तो नहीं वो उससे छूट गई, दिखाएं पर्यटन विभाग और आगे पर्यटन भी देखते हैं। ठीक है डिटेल मत दीजिए आप सब देख लीजिए कि छूट तो नहीं गया, चलते जाएंगे।